तो हेलो बच्चों, मैं पवन पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय दूसरा, जो कि यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम इन रैखिक समीकरणों के बेसिक के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया? अब तो सबसे पहले चीज़ हम जान लेते हैं कि बेसिक जानना हमें क्यों जरूरी होता है। समझ में आया? बेसिक जानना हमें क्यों जरूरी होता है। तो अगर बच्चों हमें किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली के किसी भी सवाल को सही तरीके से सही ढंग से हल कर सकते हैं। और अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो हम किसी भी प्रश्नावली के सवालों को सही तरीके से सही ढंग से हल नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? तो चलो हम जो है आज करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बेसिक को। समझ में आ गया? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण, थोड़ा नाम जो है चैप्टर का बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा दे रखा है ना, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इनके एक एक शब्दों को समझेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चर की, कि चर जो है क्या होता है। समझ में आ गया? सबसे पहले हम चर को समझते हैं। तो चर एक अज्ञात राशि होती है। समझ में आ गया? चर जो होता है एक अज्ञात राशि होता है। समझ में आ गया? अब ये अज्ञात राशि क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अज्ञात राशि का मतलब ये होता है कि एक ऐसी राशि, एक ऐसी संख्या जो हमें ज्ञात नहीं हो। ज्ञात नहीं होने का मतलब जो हमें पता नहीं हो। समझ में आ गया? और उस राशि को, यानी कि उस अज्ञात राशि यानी कि चर को, हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के समीकरणों की सहायता से उनका मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया? उनकी राशि क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चर का मतलब समझ में आ गया। अब जो चर है, जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, ऐसे करके एबीसीडी के अंदर में जितने भी लेटर्स होते हैं, उनमें से कोई भी चर हो सकता है। समझ में आ गया? तो चर का मतलब क्या होता है, अज्ञात राशि, एक ऐसी राशि जो हमें ज्ञात नहीं है, जिसको हमें विभिन्न समीकरणों की सहायता से ज्ञात करना पड़ता है। तो ये तो हो गया चर का मतलब। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है कक्षा 7वीं में बीजीय व्यंजक पढ़ा था। समझ में आ गया? आपने व्यंजक पढ़ा था। तो व्यंजक, जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख दिया x प्लस में 4, तो ये क्या है, कोई व्यंजक है ना। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान दो, जब x प्लस 4, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया समता का चिन्ह लगा करके, यहाँ पर मैं 6 लिख दिया। समझ में आ गया? यहाँ पर x प्लस 4 तो कोई क्या है, व्यंजक है। अब इस व्यंजक के यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा करके मैंने 6 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया समीकरण। समझ में आ गया? ये क्या बन गया बोलो, समीकरण। यानी कि किसी भी व्यंजक के, ठीक है, किसी भी व्यंजक और संख्या के मध्य में हम क्या लगा देते हैं, समता का चिन्ह। ठीक है, इसको हम इक्वल टू कहते हैं या फिर बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर हम इसमें समता का चिन्ह लगा दें, किसका चिन्ह बोलो बच्चों, समता का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल्स टू 6, तो ये क्या है, कोई ना कोई समीकरण है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ध्यान दो, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या बोला है, रैखिक समीकरण बोला है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या बोला है, रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ये तो रैखिक समीकरण है, जबकि ये रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है और समझने वाली भी बात यह है कि ये रैखिक समीकरण क्यों है और ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। तो रैखिक समीकरण के लिए एक शर्त होती है, और वो शर्त ये होती है कि जो चर होता है, ठीक है, चर का मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट के अंदर में जो लेटर्स होते हैं वही तो चर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, इसमें भी एक्स चर है, इसमें भी एक चर है, तो ये चर दे रखे हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो रैखिक समीकरण होगा, उसके अंदर में जो चर की घात होगी वो अधिकतम एक होगी, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब इसके अंदर में देखो, चर की घात अधिकतम कितनी है, एक है। समझ में आ गया? अर्थात ये रैखिक समीकरण, और इसके अंदर देखो तो इस चर के पास में इसकी अधिकतम घात कितनी दे रखी है, दो दे रखी है, यानी कि यह रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया कि 2a प्लस में 3 इक्वल्स टू 6, तो ये भी क्या है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया? रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो रैखिक समीकरण, अब ऐसा नहीं है कि वो समीकरण है, समीकरण तो वो होगा लेकिन रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम एक और समीकरण को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस में 4y माइनस का 3 इक्वल्स टू 6। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी देखो, जो चर हमें दे रखे हैं उनकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात उनकी एक है। समझ में आ गया? यानी कि ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया? लेकिन
ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण क्यों नहीं है इसको हम समझते हैं। जैसे ये जो x दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझो, ये जो x दे रखा है ये तो हमारा पहला चर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये y दे दिया, यानी कि ये दोनों चर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये हमारा दूसरा चर हो गया। तो इस समीकरण के अंदर में हम देखें तो कुल कितने चर दे रखे हैं, दो चर दे रखे हैं। अर्थात यहाँ रैखिक समीकरण तो है पर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ गया, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे यहां पर मैं लिख दिया 4x प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 5। समझ में। अब यहां पर देखो ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, पर ये दोनों चर जो है सेम है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6x प्लस में 3 बराबर में 5। तो ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, पर यहां पर जब हमें दो अलग अलग चर दे देगा तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया। और अगर कोई चर एक समान यानी एक जैसा है तो वो दो या दो से अधिक हो सकता है। कैसे, जैसे यहां पर मैंने यहां पर क्या किया, चर तो एक ही है, यहां पर भी एक से, यहां पर भी एक से, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहां पर जोड़ दिया। समझ में आ गया। इस तरीके से अगर समान चर है तो दोनों को जोड़ा घटाया जा सकता है। समझ में आया बच्चों। तो इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में जो है इन समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बेसिक के बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।